साल की शुरुआत में एक दिन हमारी कम्युनिटी आउटरीच वर्कर राजेश्वरी जी दिल्ली की एक कम्युनिटी में रोज के काम से गईं। वहां उनकी मुलाकात हुई एक महिला से। काफी देर तक उनसे बात करने के बाद राजेश्वरी जी को पता चला कि वो महिला कई शारीरिक परेशानियों का सामना कर रही थी। वो काफी सहमी सी रहती थी और किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। ऐसी परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं एक प्रकार का सहारा ढूंढते हैं, एक ऐसा सेफ स्पेस जहां हम खुलकर अपने दिल की बात किसी को बता पाएं, जो हमें दिलासा दे सके और दिक्कतों को सुलझाने में मदद करे। पर यहां वो उम्मीद छोड़ बैठी थी। उस दिन के बाद राजेश्वरी जी ने उनसे लगातार बातचीत की, उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए मोटिवेट किया और कुछ वक्त बाद उन्हें अपने साथ अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर की जांच के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देना जरूरी था। राजेश्वरी जी उनके साथ लगातार जुड़ी रहीं, उनसे बातचीत करती रहीं और उन्हें हमारे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर कम्बैटिंग वायलेंस कुशलता विकास केंद्र लेके आई, जहां उन्होंने क्लासेस लेना शुरू किया। जब भी हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं तो ऐसे काफी किस्से सुनने को मिलते हैं जहां एक उम्मीद की झलक दिखाई देती है। हेलो आप सभी को, शक्तिशाली की पहली पॉडकास्ट सीरीज रिजिलियंस ऑफ आवर कम्युनिटीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रुपिंदर है और मैं शक्तिशाली के साथ काम करती हूँ। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कुशलता विकास केंद्र के कंप्यूटर ट्रेनर गौरव से, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करने का अनुभव बताया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स से, जो दिल्ली शहर के उन समुदायों के सदस्यों के साथ काम करते हैं जो अलग अलग सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हमारे वर्कर्स मीटिंग्स के जरिए इन सदस्यों से जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए और जेंडर आधारित हिंसा को मिटाने के लिए लगातार बातचीत करते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे उनके अनुभव, किस तरह वो लॉकडाउन के दौरान भी कम्युनिटी से जुड़े रहे और कैसे सदस्यों के सामने आई दिक्कतों को सुलझाने में वो मदद करते रहे। हम पहले बात करेंगे निर्मला जी से, जो इन 5 कम्युनिटीज की महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करती हैं। निर्मला जी, जब आप कम्युनिटी के सदस्यों से जुड़ती हैं और कई मुद्दों को लेकर वार्तालाप करना शुरू करती हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? हमारी संस्था मेन वायलेंस के लिए काम करती है और लोगों को अवेयर करना, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, लड़कियों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हमारा काम है कि मतलब उन्हें मोटिवेट करना और जो वायलेंस वो सह रही हैं तो उससे वो बाहर निकलें और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। जैसे हमें 5 कमेटी हमें दी गई है, 5ों में हम लोग बारी बारी से जाते हैं और लड़कियों से, पर्सनल मैं लड़कियों के लिए हूँ तो मैं लड़कियों से बात करती हूँ। जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों से हमें बात नहीं करने देते थे, मिलने भी नहीं देते थे, लेकिन हम जब डेली जाने लगे, उनसे बातें करने लगे तो फिर वो लोग जान गए कि हाँ ये लोग क्या काम करते हैं। हम लोग अपने बारे में बताएं, अपनी संस्था के बारे में बताएं कि हमारी संस्था किस लिए हमें रखी है या हम लोग किस लिए आप लोग से मिलने आते हैं, तो फिर वो लोग समझ गए कि इनका काम अच्छा है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो लोग लड़कियों से मिलने भी देते हैं। पहले तो लड़कियां घर में चली जाती थीं और जो पेरेंट्स थे वो भी उन्हें अंदर भेज देते थे, बट हम लोग जब रेगुलर जाने लगे उनसे मिलते हैं तो वो लोग, आज की लड़कियां भी मिल जाती हैं, पेरेंट्स रहें या ना रहें घर पे, तो हमसे खुल के बातें करती हैं। कम्युनिटी के सदस्यों से बातचीत करते समय कई मुद्दे सामने आते हैं जिनको सुलझाने के लिए उनकी जड़ तक पहुंचना और गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर हरीश जी ने कई आदमियों से बात करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि घरों में या किसी भी प्रकार के संबंधों में हिंसा को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। हाथ उठाना या मारपीट करना कई घरों में एक मामूली सी बात है। हर कम्युनिटी का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड रहा, हर कम्युनिटी के लोगों की सोच अलग रही, तो ये भी एक चैलेंज रहा। डे बाय डे कम्युनिटी में विजिट की, लोगों से बात की, डिस्कशन किया, उन्हें बताया कि हमारा विज़न जो है जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना है। हम लड़का हो या लड़की दोनों को समान समझते हैं, हमारे लिए जितने जेंडर हैं सब इक्वल हैं। जो घरों में, घरों के अंदर जो जेंडर वायलेंस हो रहा है, क्या आप मानते हो कि क्या कहते हैं वो सही है, या क्योंकि आपने देखा होगा आपकी कम्युनिटी में भी कई लोग इस तरह के वायलेंस करते हैं। तो हालांकि हम जानते हैं कि पैट्रियार्की, जो पितृसत्ता शाही हम कहते हैं, वो काफ़ी टाइम से चली आ रही, तो कई मेल पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि मेरा राइट है। तो वो खुद कहते हैं कि जब हम अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, अपने बच्चे को प्यार करते हैं, तो उनको अगर हम उनके साथ वायलेंस करते हैं, उन पर हाथ छोड़ते भी हैं, उठाते भी हैं, तो वो हम उनके लिए करते हैं, वो भी हमारा एक तरह से प्यार है।
तो वो गलत कैसे हुआ। तो हमें तो मुझे उस चीज़ को समझाने के लिए बड़ी चुनौती आई कि कैसे उन्हें समझाया जाए कि आप जो करते हैं वो आपका वो कोई राइट नहीं है या आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी है, बल्कि आपको इसके लिए हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। उसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश की कि जेंडर सेंसिटाइजेशन मीन्स कि जो फील आपको हो रहा है वही फील आपकी वाइफ को होगा, अगर जो पेन आपको हो रहा है वही पेन आपकी वाइफ को होगा। तो इस तरह से हमने उन्हें धीरे धीरे समझाने की कोशिश की। हर घर की कहानी अलग है। कई घरों में लड़के लड़कियों के बीच होते भेदभाव की वजह से बेटी की पढ़ाई लिखाई या नौकरी करने को लेकर बात उठती है। कई बार घरेलू हिंसा के डर से लड़कियां अपने घर वालों के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाती हैं और बंधा हुआ महसूस करती हैं। जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो निर्मला जी, आप कैसे इन लड़कियों और इनके परिवारों के साथ चर्चा करती हैं? काम के समय में काफ़ी कुछ बाहर आया लड़कियों के थ्रू, उनके जो उनके पे जो बैलेंस हो रहा था, चाहे वो पर्सनल व्यक्ति के साथ हो, जैसे उनके पेरेंट्स हो उनके थ्रू हो या फिर कोई रिलेटिव के थ्रू। आजकल के ज़माने में भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वो चाहती हैं पढ़ना, बट उनको कहीं ना कहीं से दबाव मिल रहा है जिससे वो जो चाहती हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा बाहर निकलें या ज़्यादा पढ़ें। तो मैं उनसे बात की, फिर उन्हें कही कि आप पेरेंट्स से अच्छे से बात करो, उनको अपनी परेशानी है, मतलब अपनी जो इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप गलत नहीं हो, पढ़ाई और अपने फ्यूचर को लेकर कोई गलती नहीं होती है, तो आप उनसे बात करो, वो आपके पेरेंट्स से कभी ना कभी आपकी फीलिंग्स को ज़रूर वो समझेंगे। मैं एक ऐसी लड़की से मिली कमेटी में कि जिसका कि पढ़ाई भी बहुत कम, ये लोग पेरेंट्स ही करवाएं, वो पाँचवीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई और उसकी मतलब 8 ईयर्स की नहीं थी, फिर भी उसकी शादी कर दी ये लोग। तो वहाँ पे जब ससुराल में गई तो उसके साथ काफ़ी वायलेंस होने लगा, फिर वहाँ से भी छोड़ दिया उसको, तो ये मायके में आई तो इसके साथ वायलेंस होता रहा। तो पहले ये नहीं बता रही थी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जब मैं उससे बहुत क्लोज हुई, बहुत बार मिली, तो वो एक दिन मुझे बताई कि मैम मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, पेरेंट्स भी मुझे अभी भी बहुत परेशान करते हैं, मैं वो ससुराल तो जा नहीं सकती, यहाँ पे भी रहने का मन नहीं करता। कई बार ऐसा उससे फील हुआ कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, यहाँ तक वो सोची। तो मैं उसकी बात को सुन के बहुत शॉक हुई कि मतलब बहुत मुझे हैरानी हुई कि बताओ इसके साथ इतना वायलेंस है, फिर भी वो सह रही है, वो किसी को अपनी बात को फीलिंग्स को कह नहीं पा रही है। तो मैंने ये चीज़ें अपनी मीटिंग्स में भी रखी और उससे लगातार मैंने बात किया। आज वो इस कंडीशन पे है कि कहती है मैम आपसे बातें करने के बाद मुझे बहुत हिम्मत आती है और वो जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको सोचती हूँ कैसे सॉल्व करूँ। तो ये क्षमता उसके में आई कि वो आज निर्णय यानी वो जो करना चाहती है वो पेरेंट्स से बात कर लेती है, चाहे वो भाई हो या माँ हो। हर एक कम्युनिटी में 4 प्रोटेक्शन कमिटीज बनाई जाती हैं, एक महिलाओं के लिए, एक लड़कियों के लिए, एक आदमियों के लिए और एक लड़कों के लिए। ये कमिटीज मीटिंग्स के द्वारा कम्युनिटी के सामने खड़ी समस्याओं पर और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करती हैं, पर इन कमिटीज की स्थापना करना भी कई बार एक चुनौती बन जाती है। प्रोटेक्शन कमेटी में मेंबर्स बनाना भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। मुझे एक वाकया याद है, मुझे एक लड़का मिला जो ग्रेजुएशन करता है, तो स्टार्टिंग में जब मैंने उससे प्रोटेक्शन कमेटी को लेकर बात की तो उसने मुझसे यही बोला कि सर आप इस कम्युनिटी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत से नेगेटिव लोग हैं, यहाँ लड़के जो खास तौर से वो नशा करते हैं, तो वो आपकी बात को ना सुनेंगे ना समझेंगे। तो मुझे वो लड़का थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, तो मैंने उससे डे बाय डे बात की। उसने एक दिन मुझे खुद बोला कि आप मुझे मेंबर बना सकते हैं मैं कम्युनिटी के अंदर। स्टार्टिंग में जब मैं कम्युनिटी में गया, वहाँ पर जब मैंने प्रोटेक्शन कमेटी को लेकर बात की तो वहाँ के मोस्टली लोगों ने बोला कि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू होता है, कोई केस होता है तो हम मिलकर हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का क्या ग्राफ है, क्या यहाँ पर लड़का लड़की जो है समान है, इक्वल है? तो उन्होंने बोला नहीं, हम अपनी बेटियों को या बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते ना जॉब करवाते हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उन लोगों की सोच ये है कि बाहर जाके लड़कियां काम करेंगी तो आते जाते लोग देखेंगे, एक जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो ताड़ते हैं, फिर फॉलो करते हैं,
और उनका पीछा करते हैं, कभी कभी इफ टीजिंग के केस भी आ जाते हैं, तो इस तरह से वो लोग बाहर नहीं भेजते। मैंने उन्हें इस तरह से समझाया कि एक चीज़ बताइए, आज की डेट में हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारी एग्जाम्पल है जहाँ पर लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, पर अगर आपकी बेटी या आपकी सिस्टर के पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, अगर आप उसे घर से बाहर भेजेंगे, अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे, तो यकीनन वो भी बहुत कुछ कर सकती है। बस आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको जो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें कई लोग से रिस्पॉन्स मिला कि आपकी बात ठीक है और हम कोशिश भी करेंगे कि हम ऐसा कर पाएं। मोस्टली कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देखकर ज़्यादा कॉपी करते हैं कि वो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजा तो हम क्यों भेजें। मुझे लगा कि यहाँ पर वन बाई वन ही हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अगर हम सोचें कि एक साथ सारे लोगों को चेंज कर देंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है। कम्युनिटी में जो मेल पर्सन्स हैं उनके माइंडसेट पहले से ही बने हुए हैं कि जैसे बेटियों को बाहर नहीं जाने देना है, उनको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाना नहीं है। जो पितृसत्ता है वो भी एक तरह से बहुत बुरे तरीके से हावी है, घर पे महिलाओं या जो वाइफ है उसके लिए वायलेंस करना है, अगर उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो अपनी बीवी पर हाथ उठा देंगे, तो उन्हें इस तरह की चीज़ें फील नहीं होती हैं। तो इसको रोकने के लिए हम कम्युनिटी में अलग अलग कम्युनिटी में सेशंस रखते हैं, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इस प्रकार के सेशंस के थ्रू हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि लड़का हो लड़की दोनों एक समान है, आपकी बेटी भी ये काम कर सकती है, बस आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो। निर्मला जी, आपने बताया था कि लॉकडाउन से कुछ एक दो महीना पहले आप एक महिला से मिली थी, उनके आस पड़ोस वाले उनके कद को लेकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे और इस बर्ताव के कारण उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर हानि पहुंच रही थी। पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो नौकरी भी नहीं ढूंढ पा रही थी और ज़्यादातर घर में ही रहती थी। ऐसे केस में एक कम्युनिटी आउटरीच वर्कर किस तरह इंटरवीन करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं? हमारा एक सेल्टर है, संस्था KBK है, जिसमें सिलाई, कंप्यूटर क्लास एंड ब्यूटी कल्चर का ट्रेनिंग चलता है। तो फिर उसको भी मोटिवेट किए और उसको अपने सेल्टर तक लाएँ, तो वो आज हमारे यहाँ दो क्लास अटेंड करती है, सिलाई का भी करती है और ये कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करती है। लेकिन आज ही उसके मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कहती है कि मैम, आज के डेट में मुझे कोई चिढ़ाता है तो मैं सीधा जवाब देती हूँ। जब हम लोग कमेटी में गए तो लड़कियों को, हम लोगों को चुनौती हमारे सामने ये आई कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं, उन्हें एक फील्ड देना है जिससे कि वो आगे भी बढ़ें। पढ़ाई यदि वो लोग पेरेंट्स चाहते हैं तो पढ़ाई करवाएं, या फिर और हम लोग ऑप्शन दिए हैं जैसे कि KBK में कुशलता केंद्र विकास हमारे पास है, तो ये चीज़ें हम पेरेंट्स को बताएं। फिर उसके बाद हमारी ये चुनौती होती है कि उन्हें घर से बाहर ले आके KB तक पहुंचाना। हम उनसे बात करते हैं, लड़कियों को भी बताते हैं और उनकी माँ को भी बताते हैं, दोनों लोग को ये भी कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारी संस्था को देखिए वहाँ कैसे बताया जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिला हमें कि काफ़ी लोगों ने इसको समझा और हमारे साथ खुद आते हैं, और हम उस समय उन्हें अपने साथ अपने KBK कुशलता केंद्र विकास जो है वहाँ तक ले आते हैं। माँ भी देखती है और वो लड़की भी देखती है। उसके बाद वो लोग जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ऑलरेडी अपनी बेटी को घर के बाहर क्या वो लोग सीखने के लिए भेज रहे हैं, तो ये हमें बहुत खुशी होता है। और जो हमारा मेन एम है कि ऐसा काम करें, तो वास्तव में हमें ये प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। हमारे कुशलता विकास केंद्र में 6 कोर्सेज उपलब्ध हैं, कटिंग और टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटी कल्चर, नोटबुक मेकिंग, मेहंदी आर्ट, रेमेडियल एडुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज। लॉकडाउन से पहले यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती थी, पर मार्च के बाद कई बदलाव आए, जैसे कि कई क्लासेस को ऑनलाइन कराना शुरू किया गया, पर कम्युनिटीज़ में रोज़ घर घर जाकर बात करना, मीटिंग्स या वर्कशॉप्स में हिस्सा लेना और सबसे जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल था। निर्मला जी, पहले की तरह कम्युनिटी में काम कर पाना मुमकिन नहीं था, तो आपकी टीम किस तरह उनसे जुड़ी रही और क्या नई दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? अचानक ये बीमारी के बारे में किसी को आशंका नहीं थी, अचानक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने भी लॉकडाउन का निर्णय लिया, तो इसका भी आइडिया हमें नहीं था, अचानक लॉकडाउन हो गया। तो फिर इसके बाद हम लोग घर से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जब हम लोग शुरू घर से काम करना शुरू किए तो फर्स्ट बार हमारी कोऑर्डिनेटर, उससे पहले हमें अवेयर होने के लिए कहा था कि आप घर पे रहो तो कुछ ना कुछ काम करते रहो जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो उन्होंने कई धाराओं के बारे में हमें पढ़ने के लिए कहा जो हम घर पर करते थे।
तो धीरे धीरे कुछ लॉकडाउन बढ़ता गया, जिसका कि किसी को आइडिया नहीं थी कि बढ़ेगा। हम लोग अभी भी घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम लोग का प्रोसेस, इतनी तैयारी तो पहले से नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने परेशानी चुनौतियाँ आती गई तो उसका भी सलूशन निकालते गए। फिर लोगों से हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग को घर से काम करना है लेकिन लोगों से भी जुड़े रहना है। ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं फील हुआ, और हमारी जो कोऑर्डिनेटर साबिया मैम है उन्होंने भी हमें बोला, तो फिर ये इस सलूशन निकला कि आप कॉल के थ्रू मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनके हालात कैसे हैं, इस लॉकडाउन में वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ उनके साथ आ रही हैं। हम लोगों के पास जो बहुत कम नंबर्स बचे थे जो मोबाइल में सेव थे, तो हम लोग क्या किए कि उसी लोगों से पहले जुड़ना शुरू किए, उन्हें कॉल किए, तो कुछ कुछ हालातें जो हमारी कम्युनिटी में थी हमारे लोगों के साथ, वो हमारे सामने आने लग गई कि उन्हें राशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कितने लोगों के पास राशन तो है ही नहीं, ना राशन कार्ड है, उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा है, बच्चे भी हैं। ये सुन के हम लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी फील हुआ कि हम लोग उसको, क्योंकि हम कमेटी में काम करते हैं, उनसे हमें एनी टाइम काम करना है, उनकी प्रॉब्लम हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी बात यही हुई कि आप लोग लोगों से ज़्यादा बात करें और इसके बारे में भी हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। काफ़ी शुरू में तो ये पता चला कि लॉकडाउन अचानक हो गया, लोगों के पास खाने पीने के नहीं था, तो घर छोड़ छोड़ के, आप लोग खुद न्यूज़ में देखे होंगे, ये डेली बाय डेली दिखाया कि लोग पैदल भी चल दिए, काफ़ी लोग जा चुके थे गाँव, जो बचे थे वो भी काफ़ी दिक्कत में थे। तो आप हमारी संस्था खुद एक बार राशन कार्ड डोनेशन का वो व्यवस्था की, और वो भी हमारा काम चालू हुआ। जब लोगों से जुड़ के बातें करना शुरू कर दिए, तो पहले तो लड़कियों के थ्रू हमारा बात नहीं हो पाई ज़्यादा इस लॉकडाउन के द्वारा, क्योंकि लड़कियों के पास ज़्यादा फ़ोन नहीं अवेलेबल होते हैं, ना पेरेंट्स देते हैं, और फेस टू फेस की बात अलग थी, लेकिन कॉल के थ्रू हमारी ज़्यादा महिलाओं से बात हुई थी, आदमियों से बात हुई थी। तो महिलाओं के थ्रू ये बाहर निकल के आया कि घरेलू हिंसा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उस समय और आदमी के पास काम नहीं है, घर की टेंशन उनके ऊपर थी, औरतों पर भी तो टेंशन होता है, उन्हें भी तो चिंता होती है कि हमारा परिवार चलाना है, लेकिन आदमी ये सोचते हैं कि सारे टेंशन मेरे पे है, और वो गुस्सा बच्चों पे और महिलाओं पे निकालते हैं। तो महिलाएं ये बातें हमारे सामने रखी कि घरेलू हिंसा मैम इस समय ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें हम लोग पहले तो हम बातों को सुने, लेकिन उस समय प्रेजेंट में उन्हें कॉल के थ्रू ही हमें संपर्क करना था, और उन्हें प्रॉपर जब हम चाहें तब हम उनसे संपर्क नहीं कर पाते, तो उनसे जब भी हमारी बात होती तो हम बोलते थे कि नेक्स्ट बार ये बताइए कि आपसे हमारी कब बात हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे और इसका रास्ता आपको निकालेंगे। तो इस पर हमारी संस्था, पूरी संस्था हमारे स्टाफ मीटिंग में किया कि उन्हें किसी भी तरह समझाया जाए। तो यानी ये हो वायलेंस स्टार्ट हुआ है आदमी के थ्रू, स्टार्टिंग हमारा आदमी पे था, तो हमें उनसे भी बात करना था। तो सर को भी हम लोग कभी कभी कहते हैं कि आदमी से आप जुड़िए, उनसे पूछिए, क्या पता है कोई ऐसी चीज़ें आ जाएँ कि वो क्यों वायलेंस कर रहे हैं लड़कियों पे या अपने मतलब लेडीज़ पे। काफ़ी ऐसी चीज़ें तो हो जाती हैं जो बातों के थ्रू ही सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हमारे सामने आ जाते हैं कि जिनको हम ज़्यादा समझाते भी रहते हैं कॉल के थ्रू, जैसे भी हमसे पॉसिबल होता है, बट वो नहीं हो पाता है, उनका जो घरेलू हिंसा होता है काफ़ी बढ़ा रहता है। हमारी भी संस्था एक काउंसलर का भी काम करते हैं, तो उनको हम बात करते हैं, और उन लोगों का जो विक्टिम होते हैं उनका नंबर हम अपने काउंसलर को देते हैं, और वो डायरेक्ट इसके आगे जो प्रोसेस होता है हमारी काउंसलर करती हैं। हरीश जी और राजेश्वरी जी का मानना है कि कई बार छोटी से छोटी कोशिश भी एक इंसान में काफ़ी बदलाव ला सकती है। इस बदलाव को लाने के लिए एक इंसान को सावधान रहना भी ज़रूरी है। कम्युनिटी के सदस्यों से लगातार बातचीत करते रहना, किसी भी केस का फॉलो अप करना या बस हालचाल पूछना भी उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। लॉकडाउन के बीच में हम डेली कम्युनिटी में जो प्रोटेक्शन मेंबर हैं उनसे बात कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है, कोई इस तरह के केसेस या कोई इस तरह की चीज़ें सामने तो नहीं आ रही हैं। जिस मेल प्रोटेक्शन मेंबर से मेरी बात हुई, उसने बताया कि मेरी डेली लाइफ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट चल रही है, कभी कभी बीच में मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत एंग्री फील करता हूँ। तो उसने ये भी बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि मैं कभी बच्चे शैतानी कर रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो बच्चों पर हाथ उठा दूं, या कभी वाइफ को लेकर एग्रेसिव हो जाता था। सबसे अच्छी बात ये रही कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वह वायलेंस करने जा रहा था, बट उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता थी, तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं एक प्रोटेक्शन मेंबर भी हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर उसने फिर वही बात दोहराई कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन एक नेचर है कि हम छोटी छोटी बात में या कभी किसी बात में गुस्सा आ जाते हैं तो हमारा अक्सर जो है वो
गुस्सा जो कभी सामान पर या कभी किसी इंसान पे कभी निकल जाता है। तो मैंने उन्हें जो दो तीन सजेशन दिए, पहला सजेशन यही दिया कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने अपने माइंड पर फोकस कीजिए, इससे आपको बेहद रिलैक्स फील होगा। दूसरा, आप अपने बच्चों के साथ उनकी गेम्स एक्टिविटी या उनकी पढ़ाई को लेकर या उनकी जो भी एक्टिविटीज रहती हैं उनमें इंगेज रहिए, अपने माइंड को इंगेज कीजिए, इससे आपका जो माइंड इंगेज रहेगा और जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो भी धीरे धीरे आउट हो जाएगी। दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम लगातार कॉल करते हैं उनसे और उनके वहाँ के हालचाल पूछते हैं कि सब स्थिति कैसी है, कोई कोरोना वायरस का पेशेंट तो नहीं है या किस किस तरह की आपको परेशानी आ रही है। तो वो लोग हमसे अपनी बात शेयर करते और उन्हें खुशी भी मिलती है कि हम इस टाइम पे उनसे बात कर रहे हैं और बोलते कि मैडम मतलब आप इतना ही हम लोगों से बात करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो हमारा सुन पा रहा है ऐसे टाइम पर। जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं तो हमें जाके वहाँ पता लगा कि लोगों की मानसिकता अभी भी पुरानी ही विचारधारा है। लोग हम लोग तो कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए अपनी बातों के जरिए लोगों को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग हम मतलब लोगों को समझाते जब तक आप लोग खुद चेंज नहीं हो गए तब तक चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब चेंज होना चाहते हैं और वो लोग हमसे जुड़े भी हैं तो हम उन्हीं के द्वारा बोलते हैं कि आप लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है, आज तुम्हारे पड़ोसी के साथ है तो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब तक तुम बोलोगे नहीं एक दूसरे के लिए तब तक कैसे उस समस्या का हल होगा, इसलिए चुप रहने से अच्छा है बोलना बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे तीन कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स जिनका कहना है कि कई मुद्दों का सामना करने के लिए या किसी के साथ गलत होता देख अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब आप अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तो बाहर दिखती समस्याओं का हल कर पाना भी मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे कुशलता विकास केंद्र की ब्यूटी कल्चर ट्रेनर और स्टिचिंग ट्रेनर से जिन्होंने कई महिलाओं को ट्रेन किया और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। सो स्टे ट्यून्ड।